एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज मैंने जूते निकाले अपने और मेरे पास टोटल हैं 12 जोड़ी, मतलब 12 पेयर ऑफ शूज हैं। बाकी मेरे को मिल नहीं रहे अभी, एक दो जोड़ी और है। सर्दियों में भी मैंने जूते निकाले। तीन जोड़ी जूते रखने, कौन से रखने हैं? एक वाले, कौन कौन से रखूं? एक ये वाले और दो रेड वाले, ये वाले तो मैं रखता हूँ। एक दो हो गए हैं, कौन से रखे जाए और कौन से रखूं? और दो हो गए, ये वाले ऑरेंज कैनवस, ये मैंने काफ़ी दिनों से पहने नहीं। ये वाले रख ले, या ये वाले कौन से? तीन। सो जब ये तीन जोड़ी हैं, इन्हें मैं रखता हूँ अपने पास और बाकी सबको पैक करके बोरे में डाल के वापस फेंक देता हूँ ऊपर कबर्ड में। सो गाइस, दो जोड़ी जूते तो गंदे पड़े हैं, तो सोच रहा हूँ पहले इन्हें धो लेता हूँ, तो वॉश करता हूँ वो दो जोड़ी जूते, इन्हें पानी में धोता हूँ। थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही छोड़ देता हूँ, सोक हो जाएंगे, उसके बाद साफ करता हूँ इन्हें। सो गाइज, मैंने शूज़ धो लिए हैं और अब मैं मार्केट जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। गाइज, मार्केट आ गया हूँ, अब मार्केट से सामान लेते हैं। सो गाइस, मैंने एक्सकी ट्रे तो ले लिया लेकिन बाकी सामान मिल नहीं रहा अभी, तो आगे दूसरी मार्केट में जा रहा हूँ लेने के लिए मैं। और आ गया हूँ मैं दूसरी शॉप पे, लेता हूँ ऐसे सामान। सो गाइस, ये रही तीनों चीज़ें, ओट्स, बनानास, एग्स। अब इस बनानास के साथ मैं बनाता हूँ मिल्क शेक। ओट्स को रखते हैं साइड और एग्स को डालते हैं अलमीरा में, सिर्फ तो यहाँ पे सही से रख देता हूँ। सी लेते हैं और बनाते हैं मिल्क शेक। क्या हुआ? सो गाइस, शाम को मैं आ गया हूँ लेक पे, मेरे छोटे भाई को कोई काम था
तो उसने मुझे लेक पे बुलाया था वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। तो चलते हैं लेक पे अभी। बैठे हो वहाँ पे पोडियो के नीचे, और पीछा रेडी चल, दिखाई नहीं तू, तेरे सामने आ रही है। ठीक है हाँ मार। पत्थर उठाइए फिर मारिए। गाइस फाइनली मैंने जूते धोए थे, उतार लिए और मुझे मेरे दूसरे जूते ही मिल गए। यहाँ पे पड़े हुए इसके अंदर पड़े हुए ऊपर ये। तो ये रहे वाले जूते, अभी इन्हें नीचे लेके जाता हूँ। सो गाइस मैंने जूते ला के रख दिए हैं और अब डिनर टाइम है। डिनर में हम खाएंगे स्पेशल, डिनर में है साग मक्के की रोटी। सो गाइस मैंने डिनर कर लिया, अब डिनर करने के बाद मैं मॉर्निंग के लिए दाल और चने सोक करने के लिए रख रहा हूँ पानी में डाल के धो के। इन्हें अच्छे से धो के भिगो के रख देता हूँ मॉर्निंग के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।